और बोकारो में एक बार फिर शिक्षा व्यवस्था की बदहाली की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां 2000 से ज्यादा छात्रों वाले स्कूल में सिर्फ 11 कमरे हैं। प्रदेश में शिक्षा मंत्री ने खुद स्कूल भवन निर्माण के लिए आधारशिला रखी थी, लेकिन एक साल बीत जाने के बाद भी आज स्कूल की हालत जस के तस है। ये रिपोर्ट आप देखिए। शिक्षा व्यवस्था को लेकर झारखंड सरकार के दावे और जमीनी हकीकत में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ छात्रों को शिक्षा के लिए बेहतर सुविधाएं देने के दावे किए जाते हैं और दूसरी तरफ छात्रों को स्कूल में बैठने के लिए कमरे तक नसीब नहीं हो रहे। कुछ ऐसा ही नजारा है बोकारो के रामरुद्र प्लस टू उच्च विद्यालय का, जहाँ सैकड़ों छात्र मूलभूत सुविधाओं के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। दरअसल राज्य सरकार की ओर से छात्रों के लिए स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के तहत बोकारो जिले में 3 स्कूल को CBSE विद्यालय घोषित किया गया था। इसी में से एक स्कूल है रामरुद्र प्लस टू उच्च विद्यालय, जहां 2200 छात्र नामांकित हैं, लेकिन बैठने के लिए सिर्फ 11 कमरे हैं। लिहाजा छात्रों को पढ़ने और शिक्षकों को पढ़ाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि एक बेंच पर 6-6 छात्र बैठने को मजबूर हैं। छात्रों को हर पीरियड के बाद क्लासरूम बदलना पड़ता है। क्लासरूम में यही दिक्कत है कि क्लासरूम पूरा टूट फूट गया है, और बना भी था तो अच्छा था, रिपेयरिंग नहीं हुआ है, पेंटिंग नहीं हुआ है। हाँ, कभी कभी डर लगता है कहीं टूट के गिर ना जाए, ये सभी डर है। इसके चलते हम लोग को बार बार इधर उधर होना पड़ता है, कभी हॉल जाना पड़ता है, हॉल से इधर क्लासरूम में आना पड़ता है। क्लासरूम में जगह नहीं होता है बैठने के लिए, एक बेंच में कभी बहुत बच्चा आ जाता है तो जगह नहीं होता, एक बेंच में 7 बच्चा बैठता है। यहाँ प्रॉब्लम यही हो रहा है कि हम लोग को मतलब स्टूडेंट साइंस कॉमर्स और आर्ट्स का स्टूडेंट ज़्यादा हो जा रहे हैं आजकल, जैसे जैसे एग्ज़ाम हो रहे ये बच्चा सब ज़्यादा आ रहे, तो इसी कारण हम लोग को प्रॉब्लम हो रहा है। हम लोग हॉल में जाके मनाहिद मैम इंग्लिश लेती है, बच्चा ज़्यादा आने का कारण यही हो रहा। राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने 5 मार्च 2022 को ही स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के तहत भवन निर्माण के लिए आधारशिला रखी थी, लेकिन लगभग एक साल पूरे होने को है और स्कूल भवन बनना तो दूर, निर्माण कार्य भी अभी तक शुरू नहीं हुआ है और शिक्षा विभाग की अनदेखी का दंश स्कूल में पढ़ने वाले छात्र और शिक्षक झेल रहे हैं। परेशानी तो हम लोगों को बहुत होती है, बच्चे बहुत ही उत्साह से आते हैं विद्यालय, लेकिन हमारे यहाँ 2100 विद्यार्थी हैं और उनको बिठाने की बिल्कुल हमारे पास उतने रूम्स नहीं है। तो मैं तो पहले भी बोल चुकी हूं और हमारे शिक्षा मंत्री से भी मैं उनको निवेदन करती हूं कि जल्द से जल्द कमरों को बनवाया जाए और जो भी नई बिल्डिंग है वो बनवाई जाए, ताकि हमारे बच्चे अच्छे से यहां पढ़ सके। और जो वो एक सोच लेके आते हैं कि हम लोगों को आज शिक्षा ग्रहण करके वापस लौटना है, वो उनको मिल सके। बहरहाल स्कूल प्रबंधन और छात्रों को इंतजार है कि शिक्षा विभाग स्कूल भवन निर्माण शुरू करे, ताकि हजारों छात्रों की परेशानी खत्म हो सके और छात्र बिना किसी समस्या के अपना भविष्य संवार सके। बोकारो से संजीव कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ डेस्क, बिहार, झारखंड।